आज का दिन देश के 80 करोड़ किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी खुद धरती पुत्र हैं, खुद किसान के बेटे हैं। पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने खुद अपने हाथों से हल चलाया है। अभी 14 सितंबर को पतंजलि काऊ मिल्क की लॉन्चिंग के अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे एक संस्थान को चलाने वाले हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनियों की हम बात करें तो इनमें से कोई भी व्यक्ति खेत में नहीं गया होगा, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां पर दिखाया कि गौ माता का दूध कैसे निकाला जाता है, उसकी सेवा कैसे की जाती है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से फसल बोई है, अपने हाथों से फसल की कटाई की है। अपने हाथों में जिस क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज रहने वाले हैं, वहाँ हरियाणा से जो लोग आए हैं उनको पता है कि वहाँ सर्दी के मौसम में जब पानी देने का काम होता है, फसल को जब दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में पानी देने का काम होता है, वो किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो पूज्य आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वो तपस्या अपने हाथों से की हुई है। और किसानों का कल्याण भी केवल एक किसान का बेटा कर सकता है, किसान का पुत्र कर सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मन में 125 करोड़ लोगों के लिए भावनाएं हैं, लेकिन उसमें यदि जय जवान और जय किसान की बात की जाए तो उनके प्रति सबसे अधिक प्रेम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का है। आप सबकी ओर से, पूरे देश के जितने किसान आए हैं उन सारे किसानों की ओर से, हमारे किसान पंचायत की ओर से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय भाई नरेंद्र डबास जी और आदरणीय भाई युवा केंद्रीय प्रभारी भाई सचिन जी और डॉक्टर राजेश जैन जी को, कि पूज्य आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पगड़ी पहनाकर पूरे देश के किसानों की ओर से उनका अभिनंदन करें। और आदरणीय महापात्रा जी, जिन्होंने एक बड़ा मिशन लिया है इस देश के किसानों की दशा को सुधारने के लिए, पूरे देश के किसानों की ओर से हल भेंट करके उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए। पतंजलि ने एसकी और एनएसडीसी के सहयोग से एक आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश की है, यानी आप अपनी धरती का परीक्षण अपने घर में कर सकें। किट हम आज लॉन्च करेंगे। जैसे हमने आपसे एक तरह का, मैं कहूँगा, प्रॉमिस किया था कि हम आपको लिटरेचर आपको सुलभ भाषा में देने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए हम आज एक पुस्तक रिलीज करने जा रहे हैं जिसका कि बहुत ही सुंदर टाइटल भी रखा है हमने, वो है मिट्टी की ताकत बढ़ जाए हर खेत लहलहाए। अगला कार्यक्रम, क्योंकि इस सारे प्रोग्राम को एक, जिसको कहते हैं नतीबंद करना है, जिसको हम कहते हैं एमओयू का साइन करना, क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम पीएमकेवीवाई के आधार पे किया गया है, इसके लिए तो वो जो एमओयू होता है वो हम आपके सबके सामने साइन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। तो आज ये विशेष समारोह श्रद्धेय आचार्य श्री के संकल्प से यहाँ आयोजित हुआ और सभी क्षेत्रों में देश में अभिनव क्रांतियाँ हो रही हैं। आदरणीय
हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का सपना कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसको साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता के साथ एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे आदरणीय श्री त्रिलोचन महापात्रा जी कर रहे हैं। एक बार पतंजलि योगपीठ में सभी किसानों की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे पतंजलि परिवार की ओर से। आदरणीय गौतम जी, जिनके साथ में लगभग हमारा 25 वर्ष पुराना रिश्ता हो गया है, 1993 या 94 में हम उनसे मिले और हमको ये PBRI का क्या होता है हमको पता नहीं था, लेकिन किसी ने बोला कि आप लोग जड़ी बूटियों पर बहुत काम करते हो, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, तो बोले आप जो है ना वो गौतम साहब से एक बार जा कर के मिलो। स्वामी नारायण संस्था के एक जस भाई साहब ने हमको बताया, गुजरात के, मैं वहाँ शिविर कर रहा था। अब हम खड़ाऊ पहन के ठक ठक करके पहुँच गए वहाँ, तो गेटमैन ने गेट ही नहीं खोला पहले, तो बोले बाबा जी कहाँ से आ गए, बोलो अगले दरवाजे पर जाओ। हमने कहा भैया हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, कुछ काम करने आए। इन्होंने फिर हमारा वहाँ पहले ही दिन लेक्चर रख दिया। उस दिन इनके हॉल में जितने अंदर लोग बैठे थे उससे ज़्यादा कहीं बाहर से सुन रहे थे। तो इनसे पहला परिचय हमारा ऐसा हुआ, और उस समय हमारा संन्यास नहीं हुआ था, फिर हमारी संन्यास दीक्षा भी हो गई 9 अप्रैल 1995 को। उसके बाद हम आगे बढ़े और योग के क्षेत्र में भगवान ने सेवा करवाई, आयुर्वेद के क्षेत्र में। स्वदेशी का जो सपना था हमारे महापुरुषों का, विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को बचाना, तो हमने इस देश को कई मायने में आज़ादी दिलाने के लिए काम किया है। राजनैतिक आज़ादी मात्र आज़ादी नहीं होती है, स्वास्थ्य की आज़ादी, खेती की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, अर्थव्यवस्था की, आर्थिक आज़ादी, भाषा की आज़ादी, अपनी संस्कृति और सभ्यता की आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी का काम पतंजलि योगपीठ की ओर से हो रहा है कि सभी दिशाओं से देश को हम स्वाधीनता की ओर लेकर के चले। और इस दिशा में बहुत सारे प्रयत्न हुए पिछले लगभग 2.5 दशकों में। अब हम योग क्रांति के बाद कृषि की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, अलग अलग दिशाओं में अभी दुग्ध क्रांति की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी में भी पतंजलि ने एक कीर्तिमान बनाया है और उसमें भी गाय के दूध को, माने सही जो जीवन मूल्य हैं उनको गौरव दिलाना। बुरी बातों को तो गौरव मिल ही रहा। एक जमाना ऐसा था आज से 10-20 साल पहले, लोग सिगरेट पी करके, हमने तो कोई पिक्चर देखी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विज्ञापन आदि और कोई ना कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि लोग सिगरेट को कैसे उछाल के पीना, कैसे उसके धुएं के छल्ले बनाना। कुछ लोग, मैंने एक अपने बचपन में देखा, लोग मुंह से पी करके नाक से, एक तो कान से धुआं निकालता था। ऐसे ऐसे लोग बुरी बुरी चीजों को गौरव देते थे, दारू भर करके गिलास में, और दोनों की लड़ाई करवाते थे। हम तो समझ ही नहीं पाए बहुत वर्षों तक, ये लड़ाई क्यों करवाते। बोले बाबा जी दारू पी के लड़ाई तो करते हैं लोग, अब वो क्या चीयर्स क्या करते हैं हमको तो आज तक नहीं पता लगा, वो चीयर्स क्या बोलते हैं, चीयर्स क्या बोलते हैं। तो बुरी बुरी बातों को लोगों ने, दारू को गौरव दिया, लोगों ने नशे को गौरव दिया, लोगों ने और बहुत बुरी बुरी चीजों को, दुराचार व्यभिचार को, अश्लीलता को गौरव दिया। पतंजलि की तरफ से योग के साथ साथ कृषि को और किसानों को, गोमाता को, धरती माता भारत माता को गौरव देने का कार्य हो रहा है। और इसमें आप सब तो अपने भारत माता को आराध्य मान करके, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके लगे ही हैं। यहाँ मंच पर हमारे महापात्रा जी और हमारे आदरणीय श्री गौतम जी के साथ साथ भाई महेंद्र पायल जी, सत्येंद्र आर्य जी, आदि हमारे कर्नल गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी आदि, और पतंजलि के PBRI के हमारे योद्धा श्रद्धे आचार्य श्री के मार्गदर्शन में पवन जी, आनंद जी, मेहता जी आदि सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के हजारों कार्यकर्ता बहुत प्रामाणिकता से इस अनुष्ठान को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। उसके लिए भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी, बहन सुमन जी, हमारे भाई सचिन जी, रामाशीष जी आदि सहित सारे हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि वो
इस सेवा में श्रद्धा पूर्वक जुटे हैं और अभी एक अभियान भी जो है सरकार की तरफ से ये जो चलाया गया कि हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कृषि में भी कुशलता को बढ़ाएं। सभी क्षेत्रों में कुशलता बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में कर्म। कर्म जीवन का मर्म है, वही हमारा धर्म है, वही जीवन का सार है। कर्म के बिना बेकार है सब। देखो सारी चीज़ें कर्म में परिणित होती है अंततो गत्वा, तब उनका परिणाम आता है, कोई भी क्षेत्र हो चाहे। तो आप सच्चे कर्म योगी हैं और इस दिशा में अब नए नए संकल्पों के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाएंगे और इसमें आप सभी लोग अभी तक भी बहुत प्रामाणिकता से मुझे कहते हुए गोरे, यहाँ पर बहुत से भाई हैं जो कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कुछ इसमें पतंजलि से पहले जुड़े थे, कुछ जो नए भाई बहन जो कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रशस्त कार्य कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, एक स्वर्णिम कार्य कर रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, एक बार उन सब का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कुछ पिछले 5 सालों से, कोई 10 सालों से, कोई 20-25 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में एक अप्रतिम उदाहरण, एक आदर्श कार्य कर रहे हैं और अब नए संकल्पों के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ, नई कुशलता के साथ एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर, एक वैज्ञानिक खेती, उसमें अब आपको नया पुरुषार्थ करना है, नया कीर्तिमान बनाना है और उसके लिए अनेक उपाय आपको कल से ही बताने शुरू कर दिए थे। यद्यपि प्रशिक्षण का विधिवत आज यह उद्घाटन सत्र है, पतंजलि के हजारों एकड़ जमीन पर जो हम खेती के तरीके अपना रहे हैं और जैसे हमारे परम आदरणीय श्री महापात्रा जी ने कहा कि 45 प्रकार की जैविक खेती और उसके अनुसंधान के सारे परिणाम, उसके प्रयोग, उसका मेथड, उसका प्रोसीजर और उसका जो है एक साइंटिफिक कंक्लूजन कि किस तरह से हम खेती करते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं, उसके लिए बीजों की क्या भूमिका है, खाद की क्या भूमिका है, पानी की क्या भूमिका है, समय की क्या भूमिका है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो प्रबंधन हैं खेती के, उन सब के बारे में जैसे सरकार ने कार्य किए, हमने भी यहाँ पर लगभग सैकड़ों अलग अलग फसलों के ऊपर, शाक सब्जियों से लेकर के, फलों से लेकर के, छोटे महंगे महंगे फलों से जो है, जो स्ट्रॉबेरी जैसे भी फल, बाकी और सामान्य फलों से लेकर के, और जो बहुत आयत में खेती होती है जिसे गेहूं की, धान की, गन्ने की और अलग अलग शाक सब्जियों की, उनके ऊपर हमने एक लंबा प्रयोग करके पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी और पूरे साइंटिफिक डेटा का कलेक्शन आपको बताया। यह प्रशिक्षण का सत्र निरंतर चलेगा और इसको जमीन पर आपको उतारना है। मैं कुछ बड़ी बातें आज इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी संदर्भ में जब बातें होती हैं तो आने वाले 20, 25, 50 वर्षों का प्रोजेक्शन किया जाता है कि आने वाला जमाना किधर जाएगा। अभी पूरी दुनिया में 1.5 से 2 गुना और किसी ही फल, औषध और अन्न में 4-4 गुना भी मूल्य में पूरी दुनिया में लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया करीब अलग अलग देशों में 25%, 10 से लेकर के 25% दुनिया इस कुदरती खेती, इस विश्व मुक्त जैविक खेती की और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर लौट रही है, उसके प्रोड्यूस को यूज कर रही है। जब 10 से लेकर के 25% पूरी दुनिया में लोग अब कुदरती खेती की तरफ लौट रहे हैं तो आने वाले भारत में भी 10-20-25 वर्षों में कम से कम 25% लोग इस दिशा में लौटेंगे, उसकी अभी से हमें तैयारी करनी है। ऐसे एकदम से अनायास तैयारी नहीं हो जाएगी। अभी भारत में इसका व्यवस्थित बाजार नहीं है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट। अनऑर्गेनाइज वे में तो अभी लोगों ने शुरू कर दिया है,
अभी ऑर्गेनाइज वे में खेती का एक नया बाजार आधार सब तैयार होगा। जैसे आज से 20 साल पहले लोग जो ऑर्गेनाइज वे में आटा बिकता है, पतंजलि भी आटा बेचता है, आईटीसी भी बेचता है, यूनिलीवर ने भी अन्नपूर्णा के नाम से बेचना शुरू किया था लेकिन बंद हो गया। ऑर्गेनाइज वे में आटा भारत में बिकने लगा, लाखों टन बिकता है, लाखों टन। पहले हर घर में अपने आप आटा पीसते थे, हमारी माँ रोज सुबह उठ करके अपने हाथ से चक्की पीसा करती, उसके बाद में गाय भैंस का काम किया करती, उसके बाद में खेत का काम किया करती। मीन्स चक्की पीसने से घर की शुरुआत होती थी। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब लोग पिसा हुआ आटा खाने लग गए। पहले 99% दालें जो है वो खुले में बिका करती थी, अब पैकिंग में दाल बिकने लग गई, पैकिंग में चावल बिकने लग गए, पैकिंग में आटा बिकने लग गया। पहले आप अपने अलग अलग इलाकों में लोग अपने घर में तिलहन बोते थे, कहीं तिल, कहीं मूंगफली, कहीं सरसों, कहीं पर नारियल, कहीं पर अलग अलग तरह के तेलों का इस्तेमाल जैसे जैसे होता है लोग जाकर के लेकर के आते थे। अब लाखों टन, करीब 5 लाख टन ऑर्गेनाइज मार्केट में पैकिंग होकर के बाजार में तेल बिक रहा है। चीजें बदलती हैं वक्त के साथ। तो आने वाले समय में हमें ये तैयारी करनी होगी, आप लोगों को भी इसमें प्रशिक्षित होते होते साल 2-3-5 साल लगेंगे पूरे ट्रेंड होने में। हो सकता है आने वाले समय में पतंजलि को ये ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, शाक, सब्जियां और फलों के भी पूरे देश में नए सेंटर भी खोलने पड़े, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि लोग चाहते हैं, मुझसे हजारों लाखों लोग मिलते हैं कि स्वामी जी ये ऑर्गेनिक गेहूं मिले, ऑर्गेनिक चावल मिले, ऑर्गेनिक शाक सब्जियां मिले, ऑर्गेनिक फल मिले। अभी भारत में इसका व्यवस्थित बाजार तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये भी होगा। इसलिए मैंने आपको भविष्य की एक बाजार की बात कही है, क्योंकि हम इस देश को यद्यपि बाजार नहीं मानते, पूज्य आचार्य भाषण जी भी बार बार कहते हैं विदेशी कंपनियों के लिए देश एक बाजार है, लेकिन पतंजलि के लिए देश एक परिवार है, हमारे लिए देश एक परिवार है। लेकिन इसमें कुछ चीजें व्यवसाय की चलती हैं, उद्योग की चलती हैं, उस उद्यमिता में भी हमें पीछे नहीं रहना है। तो शुरुआत मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ना समझ में आए, पहले अपने परिवार के लिए, बाद में व्यापार के लिए। खेती तो करनी है, उसमें और प्रश्न है किस तरह से उस खेती को हम बहुत वैज्ञानिक तरीके से करें कि जिससे कि हमारी खेती की उत्पादकता बढ़े, गुणात्मकता बढ़े, उस वह मूल्यों पर और आधारित हो। कई तरह से हमें इस दिशा में सोचना है, खेती से लेकर के पशुपालन, डेयरी से लेकर के जड़ी बूटियों से लेकर के बागवानी से लेकर के उनके बीजों से लेकर के खाद और कीटनाशक, कीट रक्षकों से लेकर के सभी दिशाओं में हमें किस तरह से कार्य करना है, उसकी पूरी प्रयोगशाला रखी है। और यह प्रशिक्षण मात्र पतंजलि में नहीं, पूरे देश में सभी दिशाओं से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप संकल्पित मन से, जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा, 4000 से ज़्यादा भाई बहन पूरे देश से आए हुए हैं, पूरा भारत आज पतंजलि के इस योग भवन में बैठा हुआ है, पूरा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पर। और एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आपको यहाँ से प्रशिक्षित करके भेजेंगे, और इसमें कई इसके चरण हैं, उन सभी में आपको पारंगत होकर के, और जैसा सपना देखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और जो संकल्प व्यक्त किया हमारे परम आदरणीय श्री महापात्रा जी ने, हमारे आदरणीय श्री गौतम जी ने, और उस सपने को साकार करने के लिए जैसे महापात्रा जी कह रहे थे, एक चट्टान और हिमालय की तरह पूज्य आचार्य जी अड़ जाते हैं, और जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ नया इतिहास, नया विश्व कीर्तिमान बन जाता है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, उन्हीं का ये संकल्प है, उनके संकल्प की पूर्ति में हम सबको मिलकर के पुरुषार्थ करना है। और
मैं ऐसा भारत का सन्यासी हूँ जो जिसकी वर्किंग आवर्स सबसे पहले शुरू होते हैं। लोगों के वर्किंग आवर जो है किसी के 8 बजे से, किसी के 9-10 बजे से शुरू होते होंगे, हमारे वर्किंग आवर्स 4 बजे से पहले शुरू हो जाते हैं। हम 4 बजे से पहले जाग जाते हैं, 4:45 बजे से पहले, 5 बजे का समय होता है, मैं 20 मिनट पहले आ जाता हूँ, 20 मिनट बिफोर टाइम हम शुरू करते हैं। राइट टाइम माने बिफोर टाइम। लोग इंडियन टाइम मतलब 1 घंटा बाद में बोला करते थे, 1 घंटा बाद शुरू होगा, अब इंडियन टाइम मतलब आधा घंटा पहले हम शुरू कर देते हैं। ऐसा हमारा ये वर्किंग आवर शुरू होता है हमारा। और पिछले 40 सालों से हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। उससे पहले हम बच्चे थे तो भाई उस समय, तो अब हमको उस समय भी स्कूल में छुट्टी होगी होती थी तो घर में माता पिता लगा देते थे काम करने में। हमने बचपन में, अभी तो आज ये जो पगड़ी बांधी है ना, ये तो हमने सम्मान के लिए रखी है कि किसान की लाज भी हमको रखनी, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान स्वाभिमान भी हमें बचाना है। हम बचपन में गाय भैंस का गोबर ठाते थे, छोटे बच्चे थे तो वो जो गोबर जहाँ डालते थे वो कुरुड़ी दूर थी तो 20-25 किलो उठा लेते थे, छोटे थे, वो उठाते उठाते सिर बीच में 2 इंच बैठ गया, बाद में शीर्षासन करके बराबर किया। तो हमने ये सारा काम किया हुआ है जो आप कर रहे हो, खेती की हुई है, लेकिन उस खेती को अब नए तरीके से करना है। जैसे मैंने आपको सुबह बोला था, योग तो हमसे भी पहले बहुत लोगों ने किया और कराया, लेकिन जब हमने योग किया तो करोड़ों लोग योग करने लग गए। इसको कहते हैं करना। तो खेती तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन वो धूल में लठ मारने वाला काम है। तो भाई धूल में लठ मारने वाला काम नहीं करना, खेती तरीके से करना है। जनसंख्या तो बहुत अपने देश में, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले है, 85 लाख का देश है, माने भारत की आबादी से 100 गुना कम, लेकिन ताकत में छोटा सा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्सेस की दृष्टि से बहुत छोटा सा देश है, लेकिन एक एक आदमी में जुनून इतना है कि वो सोचता है मैं दुनिया में किसी से कम नहीं, और वो पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियां, पूरी दुनिया की रणनीतियां, पूरी दुनिया के युद्ध कौशल तय करता है, तो इजराइल जैसा छोटा सा देश तय करता है। तो आप की आबादी भी बहुत है, संख्या भी बहुत है, लेकिन आपको अब एक नए स्वाभिमान के साथ, नए ज्ञान विज्ञान के साथ, नए कौशल के साथ, अपने कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा नए विश्व कीर्तिमान बनाने, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ कि यह जो संकल्प अब योग क्रांति के बाद कृषि क्रांति के क्षेत्र में, अब पतंजलि ने कई दिशाओं से प्रयास आगे बढ़ाए हैं, और हम यहाँ मात्र भाषण नहीं देते हैं, बहुत लोग भाषणबाज होते हैं, अलग अलग तरह के भाषण देते रहते हैं, लोगों की फितरत होती है भाषण देने की, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीं पर सबसे बड़ा दुनिया का फूड पार्क भी बनाया तो श्रद्धे आचार्य जी के पुरुषार्थ से पतंजलि ने बनाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क। तो आज हमने ये जो कार्य किए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा योग का कार्य है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट है तो आपका पतंजलि है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का केंद्र है तो पतंजलि है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है तो पतंजलि है, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक संस्कृति पर शोध अध्ययन अनुसंधान का केंद्र है तो वो पतंजलि है, अब दुनिया में सबसे बड़ा खेती का भी काम करने वाला कोई सामाजिक संस्थान है तो पतंजलि। सरकारी स्तर पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे अभी बता रहे थे, 30 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 700 से ज्यादा हमारे कृषि के अनुसंधान अध्ययन केंद्र हैं, लेकिन गैर सरकारी क्षेत्र में किसानों के लिए काम करना, उनके हित की बात करना, लाखों लोगों को रोजगार देना, करोड़ों किसानों को इसके अभियान के साथ जुड़ने का एक पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से हो रहा है। अब अनेक दिशाओं से, चाहे वो खेती है, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो और जड़ी बूटियों की खेती है, और अलग अलग प्रकार से, चाहे वो
भिन्न भिन्न दिशाओं से खेती को और किसान के साथ में जुड़ी हुई समृद्धि को आगे लेकर के जाने का काम अब वो और ज़्यादा प्रामाणिकता से हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें सरकार के भी कई मिनिस्ट्री हमारे साथ में जुड़े हैं, तो एक बार सभी हमारे अभ्यागत अतिथियों के साथ साथ आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को और हमारे आदरणीय श्री अनंत हेगड़े जी और राधा मोहन जी को भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उनके अनेक मंत्रालयों की ओर से ये विभिन्न दिशा से किसानों के उत्कर्ष के लिए कार्य हो रहा है। और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना आपको बताया कि कैसे हम अपने आय को दुगना करें, उसमें कुछ हमने और अतिरिक्त वैल्यू एडिशन भी वो सुबह सुबह हम रोज करते ही हैं। आप सभी दिशाओं से अपने आप को उन्नत बनाएंगे और यह जो पतंजलि ने एक अभिनव सात्विक एक कृषि क्रांति में चरण बढ़ाए हैं, इसको आप सफलता तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना है खेती को लेकर के, उस सपने को हम सब मिलकर के साकार करेंगे। बोले भारत माता की।